घर की लड़की को पागल बुलाने की, एक घर में रहने की अनुमति दी है, हिस्सा नहीं बनाए। मेहमान हो, मेहमान की हद में रहो। मेहमान बनकर आए थे लेकिन अब घर का हिस्सा है। चीची बड़ी मालकिन है इस घर की। रंबा शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं, जिसे देखो मुझे ही सुनाता रहता है। ओह, बहुत पर निकल आए तोरे। हाँ रुको, अब बताते हैं। आओ बबली। ये सब तुम्हारी दीदी की वजह से हो रहा है सब कुछ। ये मेरी माँ, शांत हो जाओ। और वो जो काम करने गई है ना, उन्हें वो करने से कोई नहीं रोक सकता, तो चुपचाप थोड़ा सह लो और अपना मुंह बंद करो। सिंदूर, हे भोलेनाथ, हमारा सिंदूर। भोलेनाथ, हमारा सिंदूर मिट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्या करें? सिंदूर तो तेरा बहेगा और मिटेगा भी, और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर हमें हमारा सिंदूर बचाना है तो हवेली के अंदर जाना ही होगा। हमें जाना होगा। हमने अपना सिंदूर बचा लिया। ऐसी शराब तो सिर्फ शहर में मिलती है, गांव में नहीं। इसका मतलब ये शराब बाहरों ने ज्योति के जूस में नहीं मिलाई थी। उसने कुछ गलत नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जूस में कुछ नहीं मिला। परिवार की बदनामी ना हो इसलिए बारों ने, और मैंने उसे इतना गलत समझा। सब लोग हमें यहाँ देखेंगे, पर हमें उन्हें समझाना होगा कि हमारे लिए
तुम्हारा ये सिंदूर बचाना कितना जरूरी था। हम अपना सिंदूर मिटने नहीं दे सकते थे। बादल हवेली के अंदर कैसे आ गए? ये बादल तेरा पीछा तब तक करेगा जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। नहीं, नहीं, हमारा सिंदूर, नहीं, हमारा सिंदूर। बस अब ये फासला बहुत जल्दी पूरा होगा। ज्योति, ज्योति, सच सच बताओ, क्या पारो ने तुम्हें शराब पिलाई? नहीं।